स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर टू का फिफ्थ पार्ट है एक्सरसाइज 1.1। इसमें फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज क्वेश्चन करने के लिए आपके पास पहले स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए। तो ये हमारे पास नहीं है, तो हम इसको पहले एलसीएम के थ्रू स्टैंडर्ड फॉर्म लेके आएंगे ताकि हम इसको फैक्टराइज कर सकें। इसका एलसीएम ले लेंगे x इंटू एक्स प्लस वन, एक्स नीचे वाले को नीचे वाले से डिवाइड करते हैं एलसीएम में, एक्स एक्स से कैंसिल हो गया, हमारे पास एक ये नीचे रह गया, ऊपर ये रह गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं एलसीएम में। तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वन का हम स्क्वायर भी लिख सकते हैं या दो बार भी लिख सकते हैं इसको। अब एक्स प्लस वन से कट गया, कैंसिल हो गया, तो एक्स और एक्स एक्स का स्क्वायर रह गया इज इक्वल टू 25/12। हमने इसका क्या करना है, ये फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी का स्केयर, तो हमने इसको करना है फर्स्ट का स्केयर प्लस सेकंड का स्केयर, वन का स्केयर लें तो वन ही आएगा, प्लस टू ए बी, टू ए में एक्स है बी में वन है, तो टू एक्स ही आएगा क्योंकि वन से कोई फर्क नहीं पड़ता मल्टीप्लाई करने से। नीचे एक्स 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 स्केयर प्लस एक्स इज इक्वल टू 25/12। क्या करना है, एक्स स्केयर वाले दो हैं तो हमारे पास आ जाएगा टू एक्स स्केयर प्लस टू एक्स प्लस वन, इसको स्ट्रेट कर दिया है, एक्स स्केयर प्लस एक्स इज इक्वल टू 25/12। अब हमने इसका क्या करना है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाए, तो हम लिख भी लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई में इस पूरी फॉर्म को इसे मल्टीप्लाई और इस पूरी फॉर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम जो बड़े वाला है पहले हम उसको कर लेते हैं। किसी को भी करें कोई डिफरेंस नहीं होगा आंसर में, चाहे इसको पहले करें या इसको करें। तो 25 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू, अब 12 को इसके साथ 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, अब ये 25x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 12 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 24x स्क्वायर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 24x इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 12 आएगा। अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने चले हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इस तरफ आएगा माइनस 24x स्क्वायर, ये इस तरफ आएगा तो माइनस 24x, ये उस तरफ आएगा तो माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब हमने इनमें से प्लस या माइनस जो साइन है उनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट जो होता है वो कर लेंगे। एक्स स्क्वायर वाला एक ये है एक ये है, 25 में से 24 गया जस्ट 1x स्क्वायर, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। एक्स 24x तो माइनस 23x, कॉन्स्टेंट नंबर हमारे पास सिर्फ एक ही रह गया, स्टूडेंट्स यहां पर 25x था, 25x माइनस 24x, तो यहां पर भी सिर्फ x ही रह जाएगा। तो हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो इसकी हमने फैक्टराइज, अब स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है, इसकी हमने फैक्टराइजेशन कर लेनी है। ऊपर 12 है, रफ वर्क ये हमने कर लेना है। अगर हम 4 को 3 से करते हैं तो 12 भी आता है, 4 में से 3 गया 1 भी आता है, तो हम करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ x कॉमन, x माइनस 4, 3 कॉमन, x माइनस 4 सेम आ गया, इसका मतलब क्वेश्चन ठीक है। x माइनस 4 कॉमन आ गया, जो रह जाएगा उसको हमने साथ लिख देना है इज इक्वल टू 0। x माइनस 4 ये भी 0 के इक्वल, x प्लस
थ्री, ये भी जीरो के इक्वल। अब x इक्वल टू माइनस है इस तरफ आके प्लस फोर, ये प्लस थ्री है इस तरफ आके माइनस थ्री, तो हमारा सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, फोर एंड माइनस थ्री। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत टफ लग रहा था लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी मेथड से करवाया गया है। किसी को अगर क्वेश्चन समझने में कोई भी डिफ़िकल्टीज हो तो कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको डिफरेंट मेथड से भी गाइड करवा दूंगा, समझा दूंगा।